विपस्सना जो शब्द है या वर्ड है, शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और पस्सना। वी जैसे ज्ञान होता है और ज्ञान से पहले विज्ञान लगाते हैं, ज्ञान जो हम जानते हैं, और विज्ञान यानी ज्ञान से परे की जो स्थिति है उसको विज्ञान बोलते हैं, जो ज्ञान से हम खोजते हैं। ऐसे ही पस्सना क्या होता है, पस्सना माने होता है देखना, देखने से संबंधित होता है पस्सना, और जो हमें आँखों से ना दिखाई दे और जो परे हो, आँखों के परे हो, जो अनुभव से दिखाई दे, उसको विपस्सना बोलते हैं। कोई भी आदमी अगर बुद्ध बनेगा या बुद्ध से नीचे की स्टेज में या सीढ़ियों में जाएगा, लेवल में जाएगा, या बुद्ध बनने की शुरुआत करने के लिए पहले सीढ़ी पर चढ़ेगा, तो वह आदमी या वह जो नारी है या कोई भी दुनिया का व्यक्ति, वो विपस्सना पहले करेगा। क्योंकि जो आँखों से दिखाई देता है वहाँ तक सब साधारण आदमियों की, मनुष्य की पहुँच है, मगर जो आँखों के परे है और जो साथ साथ चलता है, वो हमें जो देखना होता है वो मन की आँखों से देखना होता है। मन की आँखों से जो दिखाई देता है उसको विपस्सना में सिखाया जाता है, और उसी को विपस्सना एक तरह से कहते हैं। जो जैसा है वैसा देखते रहने को विपस्सना बोला जाता है। बेसिकली तो ये करने का अनुभव है और इसको करके आना चाहिए, और जो इसको करते हैं वही इसको समझ सकते हैं। फिर भी जितने भी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या साइंटिस्ट या साइंस के पढ़े हुए लोग हैं, या जो हायर एजुकेशन में हैं, या जो थोड़ी सी समझ रखते हैं, या जो मोबाइल चलाते हैं आज की डेट में, या कंप्यूटर चलाते हैं, उनको विपस्सना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है अगर वो ये वीडियो ध्यान से सुन लें तो। जैसे कंप्यूटर होता है आज की डेट में, पूरी दुनिया में कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का मतलब है उसका कैबिनेट जिसमें कंप्यूटर की सारी मशीन रखी होती है, उसमें जो इनपुट दिए जाते हैं उसका कीबोर्ड है या उसका माइक है, या उसमें जो हम लगाते हैं कार्ड लगाते हैं, या कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं, या कैमरा लगाते हैं, या साउंड सिस्टम लगाते हैं, या उसमें कोई रोबोट की आई लगाते हैं, या कोई कटिंग टूल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आउटपुट में आ गई हैं जो उसमें लगती हैं साथ में। और जो हम उसको खाना वगैरह देते हैं, यानी जो उसको बिजली या सप्लाई बैटरी देते हैं, वो उसका खाना हो गया, ये सब चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। और उसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम वाईफाई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम अगर उसमें डाल दें, या एक फ्लॉपी के थ्रू, या एक कार्ड के थ्रू, या एक हार्ड डिस्क है उससे ले लें, या सीडी से डाल लें, किसी भी तरीके से उसमें जो डाला जाता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी किसी भी कंप्यूटर में चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हार्डवेयर और एक कंप्यूटर। उसमें जो ऊर्जा दी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से दी जाती है। उसमें जो इनपुट हैं वो कैमरे का इनपुट है, साउंड का इनपुट है, लाइट का इनपुट है, या कोई कमांड है, वो सारी उसमें इनपुट हैं जो कीबोर्ड से भी डाली जाती हैं। वॉइस कमांड है, वॉइस से डाली जा सकती हैं, और आजकल तो इशारों से भी, यानी आँख की पुतली भी अगर घूमेगी या हाथ भी टच करेंगे तो भी वो इनपुट ले लेता है, जिससे हम उंगली के जो फिंगरप्रिंट हैं उनसे हम उसका लॉक खोल लेते हैं, या आइज़ होती हैं, आइज़ का जो रेटिना होता है उस रेटिना से हम उसका लॉक अनलॉक कर लेते हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका, सॉफ्टवेयर बेसिकली उसको चलाने के लिए होता है। कोई भी कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, उसे कितनी अच्छी हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें, कितने उसमें इनपुट लगा लें, कितने उसके आउटपुट के सोर्सेस हों, कितनी बढ़िया उसकी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क हो, कितना बढ़िया उसका प्रोसेसर हो, कितनी बढ़िया उसकी रैम हो, कितनी बढ़िया उसकी कैबिनेट हो, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो टस से मस नहीं होगा, चलेगा नहीं। ठीक ऐसे ही मनुष्य और सारे जानवर बने हुए हैं। ये जो कंप्यूटर बना हुआ है या जो मोबाइल बना हुआ है, ये ठीक इसी पैटर्न में बना हुआ है जो मनुष्य को देख के, जानवरों को देख के मनुष्य ने ये चीज़ें ईजाद की हैं और बनाई हैं। सारी वहीं से आती है, क्योंकि मनुष्य सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के टॉप लेवल पर है। इससे टॉप मशीन आज तक कोई है नहीं। ये दुनिया की सबसे अनुपम और 5 करोड़ साल में प्रकृति द्वारा बनाई हुई सबसे बेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। बुद्ध ने इसके हार्डवेयर को रूप कहा और इसके सॉफ्टवेयर का जो नाम दिया वो दिया नाम, यानी नाम ह्यूमन सॉफ्टवेयर को जो बोलते हैं वो नाम है। तो ह्यूमन सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई अंतर अभी खास है नहीं।
मनुष्य कैसे चलता है, मनुष्य खाना खाता है, कंप्यूटर बिजली खाता है, मनुष्य की आंखें हैं जो विजुअल्स लेती हैं, वीडियो लेती हैं, कान हैं जो उसके ऑडियो लेते हैं, स्किन है पूरी बॉडी की जो उसका टच लेते हैं, इसकी टंग है जो उसका टेस्ट लेती है, इसकी नाक है जो स्मेल लेती है, स्मेल सूंघती है, ये सारे के सारे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये डिटेल कोड में चेंज होके सारे के सारे मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, वाइब्रेशन के रूप में हो जाते हैं, बॉडी में कहीं भी वो स्टोर हो सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करता रहता है और जो उसे चाहिए फाइल खोल लेता है, वैसे ही हमारा जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है वो खुले, बल्कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी इसको पिकअप करता है, खोलता है। कंप्यूटर कब बीमार होता है? कंप्यूटर तब बीमार होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाए, या वो उसकी हार्डवेयर डैमेज हो जाए, या उसका कहीं कोई पार्ट डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, जो अच्छी तरह से ना बना हुआ हो। इसके अलावा भी वो बीमार होता है, ख़राब होता है जब उसकी कोई फाइल उड़ जाए या उसमें कोई करप्ट फाइल आ जाए या वो ओवरलोड हो जाए, बहुत सारी फाइलें एक साथ खुल जाए। अगर कोई फाइल ऐसी आ गई जो सारी फाइलों को करप्ट कर दे तो उसको वायरस बोलते हैं। ये वायरस का नाम ह्यूमन के वायरस से लिया गया है उसके अंदर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर भी एक वायरस आता है कभी कभी और वो सारी फाइलों को करप्ट कर देता है, पूरे सिस्टम को डैमेज करता है, कंट्रोल भी नहीं हो पाता, आदमी मर जाता है, यानी कि जो ह्यूमन का हार्डवेयर है वो फेल हो जाता है। ये रीजन इसमें साफ दिखाई देता है। तो विपस्सना बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर हमारा चलता है, जो हमारा मन है, माइंड है, जो हमारी चेतना है, उसमें जो वायरसेस आते हैं जो हमारी फाइलों को करप्ट करते हैं, जो हमारी फाइलों को ख़राब करते हैं, जो हमें बीमार बनाते हैं, जो हमें क्रॉनिकल डिसीज़ देते हैं, उन फाइलों को एलिमिनेट करने का प्रोसेस है विपस्सना। यानी कि फॉर्मेट जो करते हैं, फॉर्मेट करने का जो प्रोसेस है उसको विपस्सना कहते हैं, अगर हम कंप्यूटर साइंस की भाषा में कहें तो। हम कंप्यूटर में या मोबाइल में एक बटन दबाकर अपनी सारी की सारी मेमोरी को फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, और उसमें दोबारा से रीलोड कर सकते हैं नया प्रोग्राम जिसमें सॉफ्टवेयर में कोई वायरस ना हो, या एंटीवायरस डाल सकते हैं। ये एंटीवायरस डालना और सारी फाइलों को करप्शन से बचाना और सबको सारे वायरसेस को निकालना और फॉर्मेट मानना, इस प्रोसेस को विपस्सना बोलते हैं। विपस्सना बेसिकली वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें हमारे शरीर से जितनी भी गंदगी है जो राग और द्वेष के रूप में छुपी रहती है उसको एलिमिनेट करने का, उसको वीक करने का, उसको निकालने का एक प्रोसेस वहाँ सिखाया जाता है। इस प्रोसेस से अगर अच्छी तरह से आपने किया, सही तरीके से किया, तो आपकी सारी की सारी जितनी भी करप्ट फाइलें हैं, करप्ट जो वायरस आए हुए हैं, वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बचता है जो आपका ट्रांसफ़र होकर बॉडी में बर्थ के समय आया है वाईफाई के थ्रू। जब आपका प्योर सॉफ्टवेयर बचता है तो फिर आपका प्रोसेसर यानी आपका माइंड बहुत कूल होकर चलता है, फिर उस पर ओवरलोड नहीं है, एक्स्ट्रा फाइल नहीं खुलती हैं, आप बीमार नहीं होंगे क्योंकि वायरस नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। इस प्रोसेस को विपस्सना बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आज की डेट में समझाना बहुत आसान है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ह्यूमन साइंस के ऊपर बनी हुई है। जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है उसी को देख के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो ह्यूमन हार्डवेयर है उसी को देख के आज की डेट में हार्डवेयर बना रहे हैं और हार्डवेयर बनाने के तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने बीमारियाँ दूर करनी है, अपने वायरसेस दूर करने हैं, और सब तरह के वायरसेस वहाँ दूर हो जाते हैं, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बीमारियाँ ठीक होना एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बेसिकली आपका जो एक फायरवॉल है, जो आपका एक एंटीवायरस है, वो वहाँ मेंटेन होता है विपस्सना के थ्रू। अगर आप आधा घंटा एक घंटा डेली विपस्सना करते हैं तो आपकी फायर प्रोटेक्शन यानी कि वायरस प्रोटेक्शन की वॉल लगातार मजबूत होती रहती है और फिर उसमें वायरस एंट्री नहीं कर पाते और आप सुखी रहेंगे और आपकी लॉन्ग लाइफ रहेगी और आप बहुत जिंदे रहेंगे और सुखी और प्रसन्न रहेंगे, आपका घर भी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। ये जो प्रोसेस है सारा का सारा, ये इतना क्लियर है कि आपको वहाँ एक एक चीज़ बिल्कुल दिखाई देगी सामने, प्रत्यक्ष संदिटिको, यानी कि आपके सदा जैसे आप करेंगे अकाली को तुरंत, जैसे ही आप इस प्रोसेस करेंगे बिना समय गंवाए आपको दिखाई देगा कि हाँ ये काम कर रहा है। ये इतना अच्छा टेक्निक है और ये नेचुरल टेक्निक है, इसको भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, सुक्तो बुद्ध ने जो खोजा और रीडिस्कवर किया, ये इतनी कल्याणकारी है कि उस समय हजारों नर और नारियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, और जो
जितने भी लोग जानकार थे सब ने सीखा, गृहस्थ वालों ने सीखा, बच्चों ने सीखा और पूरा जीवन उनका सुखमय हो गया। विपसना करने के लिए आपको www.dhamma.org by S.N. Goenka। S.N. Goenka वो शख्स हैं जो विपसना को दोबारा बर्मा से यहाँ लेके आए, जैसी वो है उसी तरह से। यहाँ 200 के करीब सेंटर पूरी दुनिया में चलते हैं, आधे इंडिया में है और आधे इंडिया से बाहर है। ऑनलाइन बुकिंग होती है, फ्री कोर्स होता है, बिल्कुल सब, कोई भेदभाव नहीं होता है। आपका सिर्फ थोड़ा नाम पता वहाँ पूछा जाता है और कुछ लेन देना है नहीं। 10 दिन अगर आप इनिशियल करके आते हैं तो आपको वहाँ 7th डे मैक्सिमम फ़ायदा दिखाई देना शुरू होगा, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जैसा उन्होंने बताया है वैसा। इसलिए विपसना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, क्योंकि इसको मनुष्य ही कर सकता है। समझदारी जरूरी है, चेतना जरूरी है, चेतना का लेवल जरूरी है। जानवर भी करते होंगे मगर जानवर इसको मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों में चेतना का डेवलपमेंट कम होता है, लेवल कम है उनके सॉफ्टवेयर का। इसलिए आप जहाँ हैं जैसे हैं और जब आप इसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपका एक नया जीवन स्टार्ट हुआ है, जिसको द्विज बोलते हैं, यानी कि दूसरा जन्म। एक जन्म जो आपने लिया है सॉफ्टवेयर के साथ, और एक जब आप अपना सारे वायरस एलिमिनेट कर देते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छा है तो, खराब है तो। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों ने विपसना सीख कर उसमें अपनी कोई ना कोई फिजिकल चीज़ डालकर या मिलाकर या थोड़ा विपसना का पार्ट लेके बड़े सारे उद्योग धंधे खोले हुए हैं। लोग जगह जगह विपसना के नाम के अलावा कोई और नाम डाल के अपने नाम से उसको सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट के अंदर विपसना के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हर आदमी का एक्सपीरियंस विपसना में अलग होता है, हर आदमी की अचीवमेंट्स अलग होती हैं। विपसना में अगर 1,00,000 आदमी विपसना करेंगे तो 1,00,000 के 1,00,000 का अनुभव अलग तरह का होगा, उनके रिजल्ट और परिणाम आने के जो स्टेशन हैं वो सेम हैं। इसलिए विपसना मोबाइल पर या नेट पर या इंटरनेट पर या वीडियो में या लिखकर नहीं बताई जा सकती। मैं भी आपको विपसना के बारे में बता सकता हूँ कि विपसना में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मेरा अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, मगर आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय इसके कि मैंने आपके ऊपर थोड़ा सा अपना विद्वत्ता झाड़ दी और मैंने ये बता दिया आपको कि देखो मैं विपसना कितना अच्छी तरह से आपको बताया है या नहीं। विपसना आपको जाना चाहिए, 10 दिन आपके कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे, जीवन शुरू होगा विपसना के बाद। विपसना से मुझे क्या लाभ हुआ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि विपसना कितनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। धन्यवाद।